हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। जैसे कि हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण को, हम कैसे जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, हम अभी अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या जानते हैं, यही कि अर्थ सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इस नियम को न्यूटन ने दिया था, इसीलिए इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। देखते हैं न्यूटन ने क्या बताया है इसके बारे में। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम डील कर रहे हैं। न्यूटन ने कहा, अगर कोई भी दो मास हैं, ये एक मास है M1 और ये एक मास है M2, और ये कुछ दूरी पर रखे हैं, इनके बीच की दूरी है R, तो ये एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, बल आकर्षण का, जो बल जो मास है इनके समानुपाती होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी SF=M1/M2। ठीक है, और जो इनके बीच की दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो F=M1/M2/R². अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया जाता है तो उसके बदले में कोई कांस्टेंट लगाया जाता है, और क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल जी से स्टार्ट होता है, तो इसके कांस्टेंट को नाम दिया है कैपिटल जी, तो फॉर्मूला बन गया है G(m1)(m2)/R². ठीक है, कैसे लिखेंगे? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण का एक बल लगता है, जो निम्न प्रकार है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, एवरी टू मासेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर। क्या मतलब है? कोई भी दो मासेस आर डिस्टेंस पे रखे हैं, बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। फॉर्मूला क्या है? F=G(m1)(m2)/R², वेयर m1 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, आर डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज स्क्वायर, एंड कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, जब भी हम कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये होता है, अराइज, ये एक मास है, दोनों कुछ दूरी पे हैं, तो इस नियम के अनुसार इन दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स होना चाहिए, तो क्या इनमें अट्रैक्शन का फोर्स है? बिल्कुल है। तो क्यों ये एक दूसरे से जाकर चिपक नहीं जाते? क्योंकि ये बहुत ही छोटे मास हैं, फोर्स प्रोपोर्शनल है मास के, ये मास बहुत छोटे हैं, इसलिए इन पर लगने वाला फोर्स भी बहुत छोटा है, और इतना छोटा है कि नगण्य है, नेग्लिजिबल है, वो आपको महसूस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, हर दो ऑब्जेक्ट, मैं हूं ये मार्कर है, हम दो मासेस हैं, हम दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स है, बट ये मार्कर मेरी तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि हम दोनों बहुत ही छोटे मासेस हैं और ये छोटा फोर्स हमें दिखाई नहीं देगा। ये फोर्स
हमें दिखाई कब देता है? जब मास बहुत बड़ा हो। कितना बड़ा? पृथ्वी जितना बड़ा। कोई बड़े प्लैनेट हो, अब इनका मास कितना होगा हमारे कंपैरिजन में? तो इनका लाखों करोड़ों गुना मास है हमसे। तो जब मास इतना बड़ा होगा तब ये फोर्स आपको एक्शन में दिखाई देगा। इसीलिए पृथ्वी हमसे इतनी बड़ी है, इसीलिए वो इन चीजों को सब अपनी तरफ खींच लेती है। किसी को भी अगर छोड़ा जाएगा तो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएगा। यही है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, अब अगर इसी में एक मास फिक्स हो जाए कि वो अर्थ है, तो इसी को कहेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटी किसे बोलते हैं? अगर ग्रेविटेशन में, अगर ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में ये फिक्स हो जाए कि एक मास जो है वो अर्थ का है, तो उसी चीज को बोलते हैं ग्रेविटी। क्या लिखेंगे इसको आप? ग्रेविटी को ग्रेविटी को डिफाइन करेंगे यदि ग्रेविटेशन के फोर्स में एक मास अर्थ का हो तो उस फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आप डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर अर्थ के कारण है तो उसे ग्रेविटी बोलेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी। ठीक है, अब नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेविटी के कारण त्वरण। अब आप देखते हैं कि कोई भी चीज को अगर आप ऊपर से छोड़ देंगे तो वो अर्थ की तरफ गिर जाएगी। अगर कोई चीज गिर रही है यानी गतिमान है, अगर गति कर रही है तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा, यानी कि कोई वेग होगा, कोई त्वरण होगा। तो ग्रेविटी के कारण कितना एक्सेलरेशन होता है वो देखेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण त्वरण। ये एक वस्तु है, अगर मैं इसे छोड़ दूं ये नीचे गिर जाएगी, तो इसका एक एक्सेलरेशन है। अगर मैं इससे भारी वस्तु को छोड़ू तो वो इससे ज्यादा तेजी से नीचे गिरेगी। अगर किसी बिल्डिंग के ऊपर से मैं एक हल्की और एक भारी चीज को डालू तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा? भारी वाली चीज का। इसका मतलब एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? जितना उस वस्तु का भार है यानी वेट। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि वेट कितना होता है, mg, हमें पता है। ग्रेविटी की वजह से फोर्स कितना होता है, कैपिटल g, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन है। और क्योंकि मैं ग्रेविटी वर्ड यूज कर रही हूं तो इसका मतलब एक मास तो फिक्स हो गया कि वो अर्थ का ही मास होना है। दूसरा मास ऑब्जेक्ट का है, इसको मैं एम ओ से रिप्रेजेंट कर देती हूं, और ये उस ऑब्जेक्ट का वेट है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जितना वेट होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही फोर्स लगेगा। इसका मतलब फोर्स बराबर होगा वेट के ऑब्जेक्ट के। तो दोनों इक्वेशन को बराबर कर देते हैं, जब इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा एम नॉट जी इज इक्वल्स टू जी एम नॉट एम ई अपॉन
आर स्क्वायर एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आएगा स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपॉन में आर स्क्वायर. दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब जी एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है. एम ई अर्थ का मास है जो ज्ञात है वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को पता है. रेडियस अर्थ की रेडियस, ये भी सबको प्रैक्टिकली मेजरेबल है. तो सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी साइंटिस्ट को पता है. तो उन्होंने इसमें उसका वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट किया तो जी कितना आया है. जी आया है प्रैक्टिकली 9.8. त्वरण है, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रफली हम इसको मान लेते हैं जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर स्क्वायर. नोट किया होगा होपफुली. आगे चलते हैं. इसमें आपसे जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में डायमेंशन निकालना सीखा था, यूनिट निकालना सीखा था, तो वो आपसे जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन भी पूछ सकते हैं पेपर में और यूनिट भी पूछ सकते हैं. तो एक बार निकाल के देखते हैं यहां से. यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. फॉर्मूला लिखते हैं हमारा, एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. यहां से मैं कैपिटल जी को इधर एक तरफ छोड़ देती हूँ, बाकी सब दूसरी तरफ ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा एफ इन टू आर स्क्वायर अपॉन में एम वन एम टू. ठीक है, यूनिट देखना स्टार्ट करते हैं. फोर्स की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन. आर क्या है, डिस्टेंस. डिस्टेंस को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में. तो न्यूटन मीटर स्क्वायर दो बार है अपॉन. मास क्या है, मास को किस में करते हैं, केजी में, दो बार है. तो क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर. ये तो हो गया आपका जी का यूनिट. ठीक है, अगर हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं. सबसे पहले आप ये देखते हैं कि सब बेसिक फॉर्म में है या नहीं. मास बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है. डिस्टेंस बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है. फोर्स बेसिक यूनिट नहीं है. कन्वर्ट करते हैं बेसिक यूनिट में, एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, एम ए. अब इसमें एम क्या है, मास बेसिक यूनिट है, बट ए क्या है, वो भी बेसिक यूनिट नहीं है. तो ए की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको यहां पर लिख देते हैं नीचे. एम किस में होता है, मास किस में होता है, केजी में. ए क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आर क्या है, डिस्टेंस किस में होगी, मीटर में होगी. नीचे क्या है, द्रव्यमान है. तो क्या होगा, केजी इंटू केजी. एक केजी से एक केजी कैंसिल हो गया. मीटर और मीटर स्क्वायर कितना हो गया, मीटर क्यूब अपॉन में सेकंड स्क्वायर केजी. मीटर के लिए क्या लगाते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में, मीटर क्या है, लेंथ, यानी कि एल तीन बार आया है. एस क्या है, सेकंड. सेकंड किसके लिए होता है, टाइम के लिए. टाइम दो बार आया है. केजी क्या है, मास. मास के लिए क्या लगाते हैं, एम एक बार आया है. सबको ऊपर ले लेते हैं, एल थ्री टी टू एम माइनस वन. ये है आपकी जी का डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है, पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि यूनिट क्या है और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है. तो आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें जी को एक तरफ करेंगे, बाकी सब एक तरफ लेंगे. यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की न्यूटन. आर डिस्टेंस, डिस्टेंस की मीटर. मास दो बार आया है. केजी होती है तो केजी स्क्वायर हो गया. ये तो हो गया आपका यूनिट. ठीक है,
ठीक है। अब अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो आप क्या करते हैं, अगर आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का लिख सकते हैं, और अगर नहीं याद है तो आप उसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। फोर्स बराबर होता है एम ए, ए बराबर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद हमने सबकी यूनिट रख दी है, जो कट सकता था उसको काट दिया है और उसको कन्वर्ट कर दिया है डायमेंशनल फॉर्मूला में, ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएशन इन जी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें वेरिएशन कैसा होता है उसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाता है। वेरिएशन इन जी, स्मॉल जी, स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण गुरुत्वाकर्षण का मान। फॉर्मूला लिखते हैं पहले, जी कितना होता है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर, यही होता है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये अर्थ है, लेट से ये अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर, तो रेडियस को कैपिटल आर से लिख देते हैं। अगर हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं तो हमारे लिए ये फॉर्मूला है, जी कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ, ये हमारा फॉर्मूला है अगर हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं तो। वेरिएशन दो तरीके से हो सकता है, हाइट और डेप्थ के साथ। पहले लेते हैं हाइट, केस वन, मान लीजिए कि हम अर्थ से एच हाइट पर चले गए, हम यहां पर अब खड़े हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, अब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है, आर प्लस एच, तो जो नया ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लगेगा उसको मैं जी डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूं, इज इक्वल टू, जी तो कांस्टेंट है बदलना नहीं है, मास ऑफ अर्थ बदलेगा नहीं, अपॉन, अब जो डिस्टेंस है ना वो आर प्लस एच हो गई है, आर प्लस एच, ठीक है। अब इसमें से जी एम ई अपॉन, मैं यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले रही हूं, अगर मैंने आर बाहर ले लिया तो यहां क्या बचेगा, ये किसके बराबर है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर कैपिटल, ये जी के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल्स टू जी, ये ब्रैकेट नीचे है, अगर ऊपर जाएगा इसका पावर टू था, अगर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा। अब बर्नौली की थ्योरम के अनुसार, पूरा एक्सपेंशन की तो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार ये पावर आप यहां पर लाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जी डैश इज इक्वल्स टू जी वन माइनस टू एच अपॉन आर, आपका नया जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन आएगा वो कितना होगा, पुराना वाला इंटू वन माइनस समथिंग, अब वन माइनस समथिंग, एक में से कुछ घट रहा है तो संख्या एक से कम होगी, एक से कम संख्या से अगर आप किसी चीज को गुणा करेंगे तो वो और कम हो जाएगी, इसका मतलब नया जो एक्सेलरेशन है वो पुराने वाले एक्सेलरेशन से छोटा होगा, यानी कि अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, समराइज कर लेंगे, वेरिएशन इन जी, जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है ये बदलता रहता है यदि हम अर्थ से ऊपर या नीचे जाएं तो, हाइट के साथ देखते हैं क्या इंपैक्ट होगा, नॉर्मल अगर हम सरफेस के ऊपर खड़े हैं तो हमारा फॉर्मूला ये था, अभी हमने पीछे डिराइव किया है इसको, अगर हम एच हाइट पे चले जाएं तो हमारा जो डिस्टेंस है आर वो आर प्लस एच हो जाएगा, हमने आर की जगह आर प्लस एच लिख दिया, उसके बाद हमने इसमें से R को कॉमन ले लिया, अगर हम R को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा वन, यहाँ बचेगा H अपॉन R, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर जी के बराबर है, इस पूरे की जगह G लिख दिया,
इस ब्रैकेट को जो नीचे है अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, अगर किसी भी नंबर को ऊपर लेकर जाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं उसके अनुसार ये जो पावर है इसको आप यहाँ अंदर ला के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस टू जब अंदर आएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। वन माइनस समथिंग, एक से छोटी संख्या से अगर आप किसी को गुणा करेंगे तो वो संख्या छोटी हो जाएगी, यानी कि जी डैश जो है वो आपका जी से कम है। ऊंचाई पर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। अब यही चीज देखेंगे हम डेप्थ के लिए, अगर हम गहराई में जाते हैं उसकी तो क्या होगा। हाइट के लिए हमने देखा था, सेकेंड केस है डेप्थ के लिए। पहला इक्वेशन तो सेम ही रहेगा हमारा, सरफेस के लिए तो यही होता है, हम हाइट की जगह डेप्थ में जाएंगे। मान लीजिए ये अर्थ है, हम कुछ अंदर चले गए, ये डेप्थ है, ये सेंटर है और ये पूरा था रेडियस, ये पूरा जो था ये रेडियस था और अब हम यहां पर हैं। तो ये तो समझ में आता है कि सेंटर से जो हमारी दूरी है वो कितनी है, r माइनस डी। अब जो हमारी दूरी सेंटर से रह गई वो r माइनस डी है, ये तो हमें पता चल गया कि जो दूरी हमारी नई जो दूरी है वो r माइनस डी है। लेकिन यह देखने की बात एक और ये है कि अब हम अर्थ के अंदर खड़े हैं तो अब हम पे जो फोर्स लगेगा, यहां हम खड़े हैं, हम पे जो फोर्स लगेगा वो अर्थ के इतने हिस्से का लगेगा। ये जो मास हमारे पीछे हमारे बाहर रह गया वो मास हम पे अब गुरुत्वाकर्षण का फोर्स नहीं लगा सकता, तो अब हमारे जो इफेक्टिव मास है वो इतना है, अर्थ का इतना ही हिस्सा हम पे फोर्स लगाएगा क्योंकि हम यहां खड़े हैं, जो मास हमने बाहर छोड़ दिया वो हम पे फोर्स नहीं लगाएगा। यानी कि अब हमारा एक नया मास भी आएगा एम डैश। अभी नया मास कितना आएगा देखते हैं। मास का क्या फॉर्मूला है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जो द्रव्यमान है वो बराबर होता है घनत्व, और वॉल्यूम को आप क्या कहते हैं इसको आप देखिएगा कि वॉल्यूम जो है इसका इसके साथ गुणनफल। अब ये एक गोला है, गोले के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 πr³, यही होता है। अब हमें इतना मास चाहिए तो रेडियस कितनी लेंगे, सिर्फ इतनी लेंगे, और इतनी रेडियस कितनी है r माइनस डी का क्यूब इंटू डेंसिटी। ठीक है, नया मास किसके बराबर होगा, 4/3 πr³ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब हमें इस डेंसिटी का वैल्यू रखना पड़ेगा, ये डेंसिटी क्या है, इसी फॉर्मूले से अगर मैं देखूं तो डेंसिटी क्या है, यहां से मैं निकाल रही हूं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। टोटल डेंसिटी क्या होगी, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल मास m है और टोटल वॉल्यूम है 4/3 πr³। जब टोटल डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो टोटल ही मास आएगा, टोटल ही वॉल्यूम आएगा, टोटल वॉल्यूम मतलब पूरा रेडियस। इस रो की वैल्यू यहां पर रख देते हैं तो एम डैश हो जाएगा 4/3 πr³ × m/4/3 πr³। ठीक है, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है इसमें से, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, तो m डैश कितना हो जाएगा
कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा वन माइनस डी बाय आर, तो ये आर क्यूब होगा क्योंकि उसमें क्यूब लगा हुआ था, इंटू एम अपॉन में आर क्यूब, और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा एम डैश। ठीक है, इस कैलकुलेशन की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, और फिर भी अगर आपको इसको अभी नोट नहीं किया तो हम यहाँ कर लेते हैं, स्पेस अभी हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, ये सभी वैल्यूज उठा कर रख देंगे, जी डैश इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, चेंज नहीं होने वाला है, एम डैश चेंज हो चुका है, पुराने वाले एम के साथ वन माइनस डी अपॉन आर भी आया है, अपॉन में क्या है कैपिटल आर स्क्वायर की जगह पे आर माइनस डी का स्क्वायर है। तो अब इसमें से आप आर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा जी डैश इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन में, अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाहर वन माइनस डी बाय आर का स्क्वायर, और ऊपर है वन माइनस डी बाय आर का क्यूब, यहाँ पर क्यूब है। ठीक है, अब इसमें से ये सेम ब्रैकेट है, नीचे पावर टू है ऊपर पावर थ्री है, तो दो पावर से एक पावर कट जाएगी, और ये जो बचा है आपके पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं जी, तो जी डैश आपका हो गया है जी इंटू वन माइनस डी बाय आर। फिर से आपके पास वन माइनस समथिंग मतलब एक से छोटी क्वांटिटी, उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक छोटी ही वैल्यू आएगी, यानी कि ग्रेविटी जो है वो सरफेस की ग्रेविटी से कम आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से इसको रिव्यू करते हैं, हम अर्थ के सरफेस पे जब हैं तब सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, हम हाइट पर जाएं तो भी कम होगा, हम डेप्थ में जाएं तो भी कम होगा। हाइट वाला इजी था, सिंपल हमने जो डिस्टेंस था उसको आर प्लस एच लिख दिया था। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नॉर्मल फॉर्मूला जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम डेप्थ में चले गए तो पहली तो बात हमारा डिस्टेंस सेंटर से चेंज हो गया, हमारा डिस्टेंस कितना है आर माइनस डी, नया डिस्टेंस कितना है आर माइनस डी। मास भी चेंज हो गया क्योंकि जो हिस्सा अर्थ का हमसे अंदर है सिर्फ वही हम पर फोर्स लगाएगा, तो नया मास कितना होगा, मास वॉल्यूम, ये मास कैसे निकालोगे, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना होता है गोले का 4/3 πr³, 4/3 πr³, और आर क्यूब क्या रेडियस, रेडियस कितनी है इस गोले की, रेडियस कितनी है इस गोले की, रेडियस है आर माइनस डी, ठीक है, इंटू रो। अब हमें इस रो की वैल्यू चाहिए थी, रो क्या है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमने यहां से डेंसिटी निकाली मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास तो एम था, टोटल वॉल्यूम कितना था 4/3 πr³, पूरा लेने के लिए तो पूरा रेडियस ही लेंगे ना, तो रो की जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी। उसके बाद 4π से 4π कट गया, पाई से पाई कट गया, उसके बाद यहां से हमने आर कॉमन ले लिया, जब आर यहां से बाहर ले लेंगे तो आर की जगह वन बचेगा और डी अपॉन आर हो जाएगा, क्यूब क्यूब की जगह है, और क्योंकि हमने आर लिया है तो उसके ऊपर जो क्यूब है वो भी आएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, ये आपका नया मास आ गया। अब आप इस फॉर्मूले में नया मास लगाएंगे, जब मास भी नया है डिस्टेंस भी नहीं है, ये वाला और ये वाला आप यूज कर रहे तो ग्रेविटी भी नहीं आएगी, आपने नई ग्रेविटी रखी। उसके बाद आपने इसमें से आर कॉमन लिया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, वन माइनस डी बाय आर का स्क्वायर बचा, दोनों ब्रैकेट सेम थे, नीचे पावर दो थी ऊपर क्यूब थी, कट जाएगी पावर, और जी एम अपॉन आर स्क्वायर को जी लिखते हैं, तो ये आपका फॉर्मूला बना। फिर से एक से कम की संख्या से गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब नए वाला जो आपका एक्सेलरेशन है वो कम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पांच नंबर में आपका ये आएगा, ये दोनों ही डेरिवेशन आपको याद रखने हैं, ये वाला पांच नंबर में आएगा और अगर इससे पहले वाला आएगा तो तीन नंबर में आएगा। ठीक है, वेरिएशन इन जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपलर्स लॉ। कैपलर एक साइंटिस्ट हुए, अब क्योंकि हमने ग्रेविटी को समझ लिया तो इसके आगे हमें देखना है कि सैटेलाइट को कैसे लॉन्च किया जाता है कि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, और अगर हमें सैटेलाइट की बात करनी है तो हमें पहले प्लैनेट्स के बारे में पता होना चाहिए, और प्लैनेट्स के बारे में
केपलर ने तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज दिए हैं जो हमें पता होने चाहिए। केपलर्स लॉ, केपलर के नियम, केपलर साइंटिस्ट का नाम है। केपलर ने तीन इंपॉर्टेंट नियम दिए। पहला नियम उसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक पिंड प्लैनेट सूर्य के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, यानी कि अगर ये आपका सन है, सूर्य है, तो कोई भी प्लैनेट इसके चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। अगर आपका प्लैनेट वन इस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो वो हमेशा इसी ऑर्बिट को फॉलो करता रहेगा। ये ऑर्बिट आपका इलिप्टिकल भी हो सकता है, इलिप्स आप समझते हैं, ऐसा पूरी तरह सर्कुलर नहीं होता, इलिप्टिकल होता है, ठीक है। अगर कोई दूसरा प्लैनेट है तो उसका अपना एक ऑर्बिट होगा, कोई तीसरा प्लैनेट है तो उसका अपना एक ऑर्बिट होगा। ये आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट है। प्रत्येक प्लैनेट सूर्य के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। ईच एंड एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। दिस ऑर्बिट मे बी सर्कुलर और मे बी इलिप्टिकल। मोस्ट ऑफ द ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल इन शेप, ठीक है। नेक्स्ट लॉ देखेंगे केपलर का। दूसरे नियम को कहते हैं लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है ये लॉ? इस लॉ के अनुसार अगर ये आपका सन है और ये आपका कोई प्लैनेट है तो वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करता है, यानी कि वो पास हो या वो दूर हो, अगर ये टाइम टी वन है और ये टाइम भी टी वन है और ये एरिया ए वन है और सॉरी ये ए टू है और ये ए वन है, अगर ये टाइम दोनों बराबर है तो ये एरिया भी बराबर होंगे। इफ इसको टी टू कर लेते हैं, इफ टी वन इक्वल्स टू टी टू तो एरिया भी बराबर होंगे। क्या कहता है ये लॉ? कोई भी पिंड बराबर अंतराल में बराबर एरिया कवर करता है, इसे कॉन्स्टेंट एरियल वेलोसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यहां पर अगर इसको कम डिस्टेंस चल रहा है, ये आपको कम दिख रहा है ना, इसका जो आर्क है तो इसकी स्पीड धीरे हो जाएगी। यहां अगर ज्यादा चल रहा है तो स्पीड तेज हो जाएगी, मतलब चाल बदल जाएगी, लेकिन अगर समय बराबर है तो इनके द्वारा कवर किया गया एरिया भी बराबर होगा। लॉ ऑफ एरिया। और इसे कॉन्स्टेंट एरियल वेलोसिटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि
एक समय में सेम ही एरिया एरिया कवर करने की जो गति है, जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वो बराबर रहने वाली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इफ टी वन इक्वल्स टू टी टू देन ए वन इक्वल्स टू ए टू, बराबर समय में बराबर एरिया कवर किया जाएगा एक परिधि को पूरा करते हुए। ये आपका सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ एरिया। तीसरा तीसरा लॉ है केपलर का, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, हमने पहले भी देखा था, एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर पूरा लगाने में जो समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। अब लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या कहता है, किसी पिंड का टाइम पीरियड, उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, उस पिंड के रेडियस से निम्न रिलेशन द्वारा जुड़ा रहता है। क्या है वो रिलेशन, कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो समानुपाती होगा त्रिज्या के क्यूब के। केपलर का तीसरा नियम कहता है, टाइम पीरियड फॉर अ प्लेनेट, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड फॉर अ प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस फॉर द प्लेनेट। जो प्लेनेट जिस रेडियस से घूम रहा है उस रेडियस का क्यूब बराबर होगा उसके टाइम पीरियड के स्क्वायर के। ठीक है, तीन लॉ दिए कैपलर ने। पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, एवरी प्लैनेट कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करेगा सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, अपना ऑर्बिट कभी नहीं छोड़ेगा। ऑर्बिट कैन बी इलिप्टिकल, कैन बी सर्कुलर, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स इलिप्टिकल। ठीक है, दूसरा था कॉन्स्टेंट एरियल वेलोसिटी, यानी कि इक्वल समय में इक्वल एरिया वो कंप्लीट करेंगे। और तीसरा है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, यानी कि जो टाइम पीरियड की स्क्वायर है वो रेडियस के क्यूब के बराबर होगी। इस वीडियो में हमने जो भी कंटिन्यू किया है उसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने देखा, एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद ग्रेविटी, अगर एक मास अर्थ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर, जिसकी प्रैक्टिकल वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखनी है आपको। वेरिएशन इन जी, अगर हम सरफेस पे हैं तो जी एम बाय आर स्क्वायर ग्रेविटी है, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे दोनों ही केस में ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे लगने वाला कम होगा। कैपलर्स के लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से आपके तीन क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं, इसको बहुत ज्यादा अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।